जय साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों बात करेंगे CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनी स्टेल के बारे में। कई फ्रेंड्स का मुझे डाउट रहता है कि सर जो हमारे पेपर हैं 12 जुलाई से होंगे या नहीं होंगे, और सर हमारी जो टाइपिंग स्पीड है बहुत कम है। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए सर हम टाइपिंग स्पीड हम अपनी सॉफ्टवेयर में करें या फिर कोई पेज लेके करें। हम दोस्तों इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जस्ट मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बार दिखाता हूँ, एक नोटिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब कभी हाल ही में एक नोटिस आया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल इन CISF कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फर्स्ट NCR 133,606 गाइज आपके टोटल स्टूडेंट है जिनका PST पास हो रखा है, जो गाइज फिजिकल में क्वालिफाई है, ठीक है। और दोस्तों के जो पेपर होने थे 4 पेजेस में होने थे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 26/4/2020 को गाइज आपका फर्स्ट पेपर होना था, लेकिन COVID-19 की वजह से ये गाइज आपका पेपर पोस्टपोन करके यहाँ पे देखिए 12/7/2020 को कर दिया गया है। अब आपका डाउट सर ये रहता है कि मतलब हमारा जो पेपर होगा या नहीं होगा 12 तारीख को सातवें महीने में जुलाई में, तो फ्रेंड्स देखिए आपको गाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। सबसे पहले ये बात है, देखिए आप एग्जाम्स की टेंशन भाई मत लीजिए। देखिए जब तक COVID-19 की जो प्रॉब्लम भारत में चल रही है भाई, जब तक ये पूरी तरह से सही नहीं होती भाई, आपका कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं हो सकता। क्या सुना आपने, जब तक गाइज आपकी प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, जो इंडिया में हमारी प्रॉब्लम चल रही है भाई, जो बीमारी चल रही है, इसके चलते आपका कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं हो सकता। कोई भी पेपर CISF कंडक्ट नहीं करवा सकती, चाहे आपका CISF ट्रेड्समैन का हो फिर CISF हेड कॉन्स्टेबल का हो भाई। वीडियो बहुत सारी बन रही है यूट्यूब पे कि पेपर 12 जुलाई से होंगे। देखिए 12 जुलाई से पेपर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि पेपर नहीं होगा भाई, पेपर हो सकता है, लेकिन देखिए एक कंडीशन इस बात पे भी, अगर कोरोना वायरस अच्छे से सही हो जाता है, आपका लॉकडाउन ओपन हो जाता है, तो ही आपका पेपर 12 जुलाई को होगा, अन्यथा नहीं होगा भाई। आप ध्यान दें पेपर पे कि आपका पेपर क्या कहते हैं, उसमें पेपर में क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है, आप स्टडी पे फोकस करें गाइस। आप ये ध्यान मत दीजिए कि पेपर किस तारीख को होगा, तारीख को भूल जाइए भाई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, कंपटीशन बहुत हार्ड है भाई। कम से कम 12-13 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे भाई, यहाँ पे नोटिस में 4 लाख दिखा रखे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई, देखो मैं भी आपके क्या कहते हैं फिजिकल में गया था गाइस, पेपर आपको भी पता होगा भाई, बहुत सारा आपका कंपटीशन, आपकी बार कंपटीशन कम नहीं है भाई, बहुतों ने फॉर्म भर रखे हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। सो गाइस आपका जो कंपटीशन बहुत टफ है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। ये मत देखिए कि पेपर आपका किस डेट में होगा, ये देखिए कि पेपर में आपका आएगा क्या, आप क्या पढ़ोगे, पेपर में क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, इस बात पे फोकस करें। वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे बन रही है कि प्लीज आप ध्यान दीजिए, पेपर आपकी डेट आ चुकी है, ये आ गया वो आ गया, अरे बेफालतू तो में टेंशन ले रखे हो, सच बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। देखिए मैं भाई, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं जो बोलता हूँ भाई रियल बोलता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, वरना डिसलाइक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई देखिए जो सच बात है सच है। ध्यान दीजिए आपके पेपर में क्या आएगा, आप क्या सोचते हो पेपर बहुत आसान आएगा। देखिए गाइस पेपर जितना टफ आएगा भाई उतना आपका फायदा है। पेपर अगर भाई पेपर टफ आता भाई, आपको जो मेरिट लिस्ट है बहुत कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका पेपर बिल्कुल सिंपल आ गया, आपका जो कट ऑफ भाई 90+ भी जा सकता है भाई, आप ये देखो आपका नंबर कहाँ पड़ेगा भाई, फिर बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। सो प्लीज़ यार स्टडी करें, आप ध्यान ये मत दीजिए पेपर आपका किस डेट में होगा भाई, आप प्लीज़ ध्यान दें कि आपका पेपर में क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके पास इंग्लिश आएगी वहाँ पे, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, GK आएगी, ये सब आपके सब्जेक्ट्स आने हैं वहाँ पे, ठीक है। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी करेगा, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश करेगा, ठीक है। से कहूँगा दोस्तों आप वहाँ पे हिंदी करें, क्योंकि गाइस हिंदी का पोर्शन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है गाइस। आपको देखा होगा आपने SSGD में आपकी हिंदी के गाइस लोगों ने पता 25 में से 25 अटेम्प्ट किए हैं हिंदी में। तो गाइस मैं आपसे मतलब बोलूँगा गाइस, आप हिंदी वहाँ पे शुरू करके आए, ठीक है। हिंदी आपके पास हिंदी इंग्लिश के दो ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे आप हिंदी चूज करें और अपना हिंदी का वाला पोर्शन सोल्व करें आप, ठीक है। और गाइस बात करते हैं आपके टाइपिंग के बारे में, कई फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है। तो दोस्तों देखिए टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करना है गाइस, आपके पास एक ही तरीका है, आप गाइस प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। देखिए भाई ये कोई वो नहीं है कि आपको मैं कोई मतलब कि बाबा की भभूटी जो होते हैं उसको आपको मतलब घोल के पिला दूँ भाई, ले आपकी टाइपिंग स्पीड 50+ हो जाएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। यूट्यूब पे वीडियो है 10 दिन में टाइपिंग करें, 5 दिन में टाइपिंग बढ़ाएं, सिर्फ भाई देखिए ये सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं। देखिए भाई मुझे व्यूअर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यूअर्स से मतलब नहीं है भाई। अगर मेरी वीडियो 10 लोगों को अच्छी लगती है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं बहुत मतलब कि ठीक किया मैंने, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। बात यह कि भाई प्रैक्टिस कितनी करते हो, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है भाई आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है। आप भाई कम से कम 4-5 घंटे कम से कम दिन में टाइपिंग स्पीड को दो, ठीक है, 4-5 घंटे भाई।
5 घंटे ज्यादा हो गए हैं, 4 घंटे आप टाइपिंग स्पीड कर लो, 2 घंटे आप दिन में कर लो, 2 घंटे आप शाम को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको टाइपिंग में भी, ठीक है। और दोस्तों आपको टाइपिंग में गाइज बैक स्पेस होता नहीं, आपको पता होगा इस बात के बारे में भी, आपको टाइपिंग में बैक स्पेस नहीं देते CSS। जितने भी गाइड पैरामीटरली फोर्स होती है आपका गाइज इस टाइपिंग में बैक स्पेस नहीं होता है, वहां पे आपका बैक स्पेस होगा लेकिन बटन काम नहीं करेगा वहां पे, इस बात पे आप ध्यान दें, ठीक है गाइज। अब बात आते हैं टाइपिंग स्पीड आप किस में करें, सॉफ्टवेयर में करें या फिर पेज लेके करें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड गाइज 15 से 20 के बीच में है तो दोस्तों आप पेज में से टाइपिंग स्पीड करना स्टार्ट कर दें। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 15-20 के समथिंग आती है तो फ्रेंड्स आप पेज में से टाइपिंग स्पीड करना स्टार्ट कर दें। अगर दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड 15-20 भी नहीं है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 5-10 की, तो फ्रेंड्स आप सॉफ्टवेयर का सहारा लें, टाइपिंग मास्टर होता है गाइस, टाइपिंग ट्यूटर होता है, उसका सहारा लें, आप उसमें टाइपिंग करें। जब आपकी टाइपिंग स्पीड 15 से 20 हो जाए फ्रेंड्स, आप जब सहारा लें पेजेस का, आप दोस्तों पेज में टाइपिंग करके देखना, आपको पेज में जब आप टाइपिंग करोगे फ्रेंड्स, आपको अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज आपकी जब 15 से 20 स्पीड हो जाए टाइपिंग की, तभी आप पेज का सहारा लें, अन्यथा आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर सकते हो दोस्तों। आपकी टाइपिंग स्पीड दोस्तों आराम से इंक्रीज हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं कि यार पता नहीं मतलब क्या होगा वहाँ पे, यार टाइपिंग स्पीड भाई इंसान ही देते हैं भाई, वहाँ पे कोई बाहर से किसी और दूसरी दुनिया के लोग नहीं आते भाई टाइपिंग स्पीड क्लियर करने, भाई वहाँ पे टाइपिंग स्पीड क्लियर भी करेंगे लोग, और वो भी भाई हम सब में से ही होंगे, ये नहीं कि कोई कहीं बाहर के लोग आएंगे, भाई टाइपिंग स्पीड आपको ही क्लियर करनी है, आप ही करोगे भाई, टेंशन मत लो यार, बस खुश रहो यार, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, आराम से टाइपिंग करो, टेंशन फ्री होके करो। ये मत देखिए भाई क्या कहते हैं भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, क्या सुना आपने, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है तभी लोग फेल हो जाते हैं, अन्यथा भाई टाइपिंग स्पीड सबकी होती है वहाँ पे, ये मत मानिए कि मतलब टाइपिंग स्पीड किसी की नहीं होती, भाई लोगों की 70-70+ टाइपिंग स्पीड होती है, ठीक है। नहीं है बात भाई आपकी हड़बड़ी के ऊपर, आप भाई हड़बड़ी में गड़बड़ी करोगे तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको अच्छी टाइपिंग करनी है, माइंड फ्रेश करके टाइपिंग करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है भाई, आपकी टाइपिंग स्पीड आराम से क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपको फिर भी कुछ डाउट लगे, कुछ भी आपको बात पूछनी हो, आप मुझे कमेंट करें, बेझिझक मैं आपका 100% दूसरे रिप्लाई दूंगा। ये भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज गाइज जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए गाइज, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज गाइज आप वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा। अगर आप CSF या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी आपको बात पूछनी हो किसी भी भर्ती के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच।